ऑलराइट, सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज अजय शिंदे बैक इनटू द गेम विद न्यू वीडियो। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास आ गई अल्ट की वाइब्स स्मार्ट वॉच। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे फुल डिटेल रिव्यू इस स्मार्ट वॉच का, और आज की इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इस स्मार्ट वॉच को लेना चाहिए या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं इस पूरे बॉक्स का ओवरव्यू। बॉक्स ओवरव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें फ्रंट में ही अल्ट वाइब का एक्चुअल इमेज जो है वो देखने को मिल जाता है। 1.38 इंचेस का एलसीडी TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, राइट साइड में हार्ट रेट मॉनिटरिंग, AI वॉइस असिस्टेंट, माइक QR कोड, IP67 वाटर रेजिस्टेंट, लेफ्ट साइड में 1.38 इंचेस का LCD TFT डिस्प्ले, 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड, 200 प्लस वॉच फेसेस, SPO2 मॉनिटरिंग, और बैक साइड में हमें कई सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अभी बात करते हैं बॉक्स कंटेंट्स की। तो सबसे पहले देखने को मिल जाती है हमारी स्मार्ट वॉच, यूजर मैनुअल, वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, चार्जिंग केबल, और यहाँ पर आपको थोड़े से स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अभी बात करते हैं बिल्ड और डिजाइन की। तो दोस्तों दिखने में ना ये आपको मेटेलिक लगेगा, लेकिन फ्रेम यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है। सिलिकॉन के स्ट्रैप्स है, पॉलीकार्बोनेट का बकल है, और ये जो स्ट्रैप्स है वो रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स होने वाले हैं। बैक साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप सेंसर्स देख सकते हो, चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है, माइक का प्लेसमेंट यहाँ पर दिया गया है, और दूसरी साइड यहाँ पर आप स्पीकर ग्रिल्स भी देख सकते हो। अभी बात करते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों यहां पर आपको 1.38 इंचेस का लार्ज डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। रेस टू वेक भी काफी रिस्पॉन्सिव है, आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी बढ़िया हमें देखने को मिल जाती है। तो अभी फटाफट से देखते हैं इस पूरी स्मार्ट वॉच का यूजर इंटरफेस। वॉच यूआई की अगर बात करें तो जैसे आप टच और होल्ड करोगे तो यहां पर आपको वॉच फेसेस के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहां पर आपको काफी सारे वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पर आप कस्टम वॉच फेसेस भी सेट कर सकते हो। ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं, यहाँ पर आपको पूरा कंट्रोल सेंटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। फोन कॉल, वाटर ड्रेनेज, ब्राइटनेस, फ्लैश लाइट और सेटिंग्स से ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस, ऑटो स्लीप यहाँ पर आपको मैक्सिमम 30 सेकंड्स का देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे वॉच फेसेस, मेन्यू व्यू में यहाँ पर आपको चार मेन्यू व्यू जो है वो देखने को मिल जाएंगे। उसी के नीचे यहाँ पर आपको क्विक व्यू, मतलब दोस्तों रेस्ट टू वेक का ऑप्शन इनेबल करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। कॉल अलर्ट्स में यहाँ पर आपको मोड जो है सेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वाइब्रेशन एंड रिंग और म्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसी के नीचे यहाँ पर आप इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब, लो पावर मोड, फोन कनेक्शन ऑन ऑफ, फोन कॉल रीसेट सिस्टम में यहाँ पर आपको रिस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और सबसे नीचे यहाँ पर आपको अबाउट डिवाइस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन अलर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों राइट से लेफ्ट स्वाइप करते हैं, यहाँ पर आपको फोन कॉल्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक्टिविटी ट्रैकिंग, AI वॉइस असिस्टेंट, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, और यहाँ पर आप बहुत सारे कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हो। लेफ्ट से राइट स्वाइप करते ही यहाँ पर आपको मेन मेन्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। अल्ट वाइब के मेन मेन्यू की अगर बात करें तो एक्टिविटी, फोन कॉल, हार्ट रेट, स्लीप, SPO2, ब्लड प्रेशर, एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स, एक्सरसाइज वेदर, नोटिफिकेशन शटर, म्यूजिक, टाइमर, अलार्म में यहाँ पर आप कस्टम अलार्म भी सेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, टाइमर वगैरह आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। उसी के नीचे स्टॉप वॉच, AI वॉइस असिस्टेंट, पीरियड्स, फ्लैश लाइट्स, सेटिंग्स, और यहाँ पर आपको माइक, QR कोड और होम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यूजर इंटरफेस की अगर बात करो तो यहाँ पर काफी अच्छा बेसिक UI आपको देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं इस वॉच के हाईलाइटिंग फीचर की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हेलो अनुराग, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है। ओके ओके ओके, स्मार्ट वॉच से बात कर रहा हूँ। सेकंड हाईलाइटिंग फीचर है AI वॉइस असिस्टेंट का टॉक बैक के साथ। How is the weather today? 24 and sunny. Today it'll be sunny with a high of 27 and a low of 19. थर्ड हाइलाइटिंग फीचर है म्यूजिक कंट्रोल के साथ साथ यहाँ पर आपको म्यूजिक प्लेबैक का भी सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं हेल्थ फीचर्स की। तो यहाँ पर आपके हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जाएगी, SPO2 मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का भी सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। और इसकी एक्यूरेसी की अगर बात करूँ तो हार्ट रेट मॉनिटरिंग में हमें ऑलमोस्ट सेम डाटा देखने को मिल रहा था, SPO2 मॉनिटरिंग में भी हमें सेम वैल्यू शो हो रही थी, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में हमें टिपिकल वैल्यू शो हो रही थी। अभी बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की। तो यहाँ पर आपको 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, इन्हें ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको गोल कस्टमाइजेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसकी एक्यूरेसी की अगर
बात करूं तो जब मैं 100 स्टेप चला तब यहाँ पर 97 का काउंट आया, और जब मैं 200 स्टेप चला तब यहाँ पर 201 का स्टेप काउंट आया। मतलब यहाँ पर हमारी एक्टिविटी ट्रैकिंग काफ़ी प्रॉपरली की जा रही है। और वाटर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये जो पूरी स्मार्ट वॉच है वो IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट होने वाली है। अभी बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों कंपनी ने क्लेम किया है कि यहाँ पर आपको अराउंड 7 डेज का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे कंटिन्यूस यूज करते हो तो आपको अराउंड 4-5 डेज का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, और कॉलिंग वगैरह यूज करते हो तो आराम से 1.5 दिनों का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। तो अभी आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर ना इसकी प्राइसिंग ना काफी अग्रेसिव रखी गई है। इस प्राइस पॉइंट में यहाँ पर आपको काफी अच्छी बिल्ड देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले भी काफी बड़ा है, कॉल क्वालिटी वगैरह काफी बढ़िया है, थोड़ा सा साउंड आपको थोड़ा सा कम सुनने को मिलेगा, लेकिन जिस प्राइस पर हमें ये मिल रही है तो मैं कोई भी कंप्लेंट नहीं करूंगा। तो दोस्तों अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, दिस इज अजय शिंदे ओवर एंड आउट।